औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद तैयब वासिफ़ सुप्रीमा ट्रैवल्स की जानिब से आज तमाम के सामने ज़रूरी इत्तला लेके हाज़िर हुआ हूँ। वो ज़रूरी इत्तला ये है, सऊदी फैमिली विज़िट वीज़ा, फैमिली रेसिडेंस वीज़ा के VFS का सबमिशन का प्रोसीजर क्या है, आप तमाम के सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। VFS में सबमिट करने का तरीक़ेकार ये है, आपको सबसे पहले VFS जाकर या ईमेल के थ्रू फॉर्म हासिल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा, आपको ऑनलाइन स्लॉट लेना है। तीसरा, ऑनलाइन स्लॉट लेके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट लगाकर फाइल को मुकम्मल करके VFS में पंजागुट्टे पे लेके जाके सबमिशन करना है। सबमिशन करने के बाद 15 दिन के वक्फे में वो लोग पेपर वीज़ा देंगे। 3 में से स्टैंपिंग वीज़ा बंद हो चुका है, अभी आपको पेपर वीज़ा पे वीज़ा लग कर आ रहा है। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि कुछ किसी भी चीज़ की आपको तल्ला चाहिए तो आप सुप्रीमा ट्रैवल्स के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। अब उमरा के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी इत्तला देना चाहता हूँ। 30 जुलाई से इंशाल्लाह उमरा शुरू हो जाने के इम्कानात है। इस साल उमरा 30 जुलाई या 1 अगस्त को पहला काफिला जाएगा सुप्रीमा ट्रैवल्स की जानिब से। पिछले साल, गुज़िश्ता साल जो लोग भी सुप्रीमा ट्रैवल्स के ऊपर एतबार और एतमाद किए, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी सुप्रीमा ट्रैवल्स के उमरा के काफिले के सर्विसेज और बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। हज को जाने वाले हाजियों से गुजारिश करता हूँ, आप तमाम आलम इस्लाम, इंसानियत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हर किसी के लिए दुआ करिए, ख़ास तौर से हैदराबाद तेलंगाना के लिए भी दुआ कीजिए। मैं मोहम्मद तैयब आसिफ, इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।